सो चलिए गाइस, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। अब हमें क्या करना है, एरोमेटिक रिंग पे जब सी डब्ल्यू एच ग्रुप लगा हुआ है तो उस पे हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन करवाना है। क्लियर हो गया? यहां पर रिएक्शन का नाम देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन। कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हाइड्रोजन को सब्सिट्यूट करेगा बेंजीन रिंग पे। एक्चुअल में यहां पर ये जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होने वाली है वो बेंजीन रिंग पे परफॉर्म होने वाली है। ऐसा क्या खास है बेंजीन रिंग के पास? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग आपको दिखाई दे रही है उसके ऊपर आपने हाइड्रोजन को हटा के सी डब्ल्यू एच लगाया है। एक ऐसा ग्रुप जो कि माइनस आर इफेक्ट दिखाता है। माइनस आर मतलब रेजोनेटिंग इफेक्ट, वो भी नेगेटिव, ठीक है? या फिर इसको हम लोग कहें ये माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाता है, माइनस एम इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ऐसा ग्रुप है जो कि इस रिंग को क्या कर रहा है, बेसिकली डीएक्टिवेट करता है। अब मैं यहां नीचे लिख देता हूं, यहां पर ये सी डब्ल्यू एच एक ऐसा ग्रुप होता है, आप और भी ग्रुप लगा सकते हो, एनओ टू, सी एच ओ, सी एन, ये कैसे ग्रुप होते हैं, ये माइनस आर दिखाते हैं या फिर माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, मतलब ये डीएक्टिवेट कर रहे होते हैं, डीएक्टिवेट कर रहे होते हैं किसको, रिंग को, ठीक है? जिसकी वजह से अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन कंपाउंड बनेगा तो वो कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिव। इस पर काफी बार बात कर चुके हैं, मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड बनेंगे। यह आपने 11th में भी पढ़ा होगा, जब ऐसे ग्रुप जो कि माइनस आर माइनस एम इफेक्ट दिखाते हो तो उस केस में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो मेटा पोजीशन पे करेगा, यानी कि इसकी मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उस केस में ज्यादा होगी। ऑर्थो पैरा पोजीशन वाले यहां पर कंपाउंड नहीं बनेंगे। सो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम लोग किसको करते हैं, ध्यान से उसको चेक करेगा। नंबर वन, अगर आप केमिकल रिएक्शन ध्यान में रखते हैं तो वो होगी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए आपको H2SO4 प्लस HNO3 इस कॉम्बो की जरूरत पड़ती है। याद है आप लोगों को, ये काफी बार कर चुके, HSO4 प्लस HNO3 ये कॉम्बो आपको नाइट्रोनियम आयन देगा, NO2 प्लस यही आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन, याद करिए, दिस इज नाइट्रोनियम, ठीक है? नाइट्रोनियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ये चीज काफी बार करा चुका हूं, ऑर्गेनिक जब से चल रही है ये चीज बहुत बार हमने फेस की है। तो फोकस करिए, HSO4 और HNO3 के कॉम्बिनेशन से हमें नाइट्रोनियम आयन बनेगा। अब बेंजीन रिंग पे एक ऐसा ग्रुप लग रहा है जो कि माइनस आर माइनस एम इफेक्ट दिखाता है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटा पोजीशन पे ही बची है। तो मेटा सब्स्टिट्यूटल यहां पर कंपाउंड बनेंगे, मतलब आपको ये जो NO2 लगाना है एक्चुअल में वो कहां लगाना है, जरा चेक करिएगा, मेटा पोजीशन पे। तो ये CWH यहां पर है, उसके मेटा पोजीशन पे आपको NO2 लगा देना है। तो ये तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन होगी, बहुत इजी है, क्लियर हो गया? एक और केमिकल रिएक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो, सेकंड केमिकल रिएक्शन मैं इस तरफ लिख देता हूं। ये आपकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन होगी जिससे आप, आपके पास क्या कर रहे हो, मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड बना रहे हो जिसमें आपने NO2 लगा दिया, यही हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल था। अगर सपोज करो इसका क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करवाना चाहो, जैसे मान लो Br2 और प्लस साथ में आप FeBr3, ठीक है? सो ये कॉम्बो अगर आप लेते हो तो इस केस में आपको इसका क्या कराना है, ब्रोमिनेशन, क्योंकि ब्रोमीन लिया आपने। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो उस केस में आप क्या करोगे, मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड बनाने अगेन, तो जो ब्रोमीन है वो कहां लगेगा, ब्रोमीन लगेगा मेटा पोजिशन पे बच्चों। सो फाइनली यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो ये होगा, मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड होगा, ब्रोमीन यहां पर मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बहुत आसान है, सिर्फ आपको फोकस करना होता है कि बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप लग रहा है वो कैसा है। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें एक मजेदार चीज है, अगर मैं यहां पर कोई थर्ड केमिकल रिएक्शन बोलूं, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, जरा चेक करिएगा। नाउ अगर मैं कहूं कि ये तीसरा, ये तो हमारे पास फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हो गया, ये हमारे पास सेकंड केमिकल रिएक्शन हो गया इस तरफ, नाउ विल टॉक अबाउट थर्ड केमिकल रिएक्शन। कौन सी लिख रहा हूं, फ्रिडलक्राफ्ट, ठीक है? फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, एल्काइलेशन एंड यहां पर ही मैं लिख देता हूं एसाइलेशन। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो बेंजोइक एसिड होते हैं वो फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन में कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन शो ही नहीं करते, कौन?
यहां पर बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेंजोइक एसिड, वो फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन शो ही नहीं करते। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं इस तरफ से लिख देता हूं। अब ऐसा क्यों होता है उसको देखिए, यहां पर हो कुछ यूं रहा है कि यहां पर आपने इतना पावरफुल चेक करेगा, इतना पावरफुल यहां पर आपने क्या कर रखा है, ऊपर यहां पर सब्स्टिट्यूट में ग्रुप लगा रखा है जो कि रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है। जरा चेक करिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है। ये एक्चुअली कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, माइनस आर माइनस एम दिखा रहा है। और फ्रिडलक्राफ्ट के अंदर आप इस्तेमाल किसको करते हो, आप इस्तेमाल करते हो, जरा चेक करिए, इसके अंदर आप AlCl3 को इस्तेमाल करते हो एल्काइलेशन में, और ये तो लुईस एसिड की तरह इस्तेमाल होता है, और उसके साथ आप क्या करते हो CH3Cl कोई भी हेलो एल्केन इस्तेमाल करते हो, और ये रिएक्ट करके CH3+ ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करती है। ये तो आपको पता होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करती है AlCl3 CH3Cl के साथ CH3+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करती है, और Cl को वो अपने साथ ले जाता है। ये चीज कॉमन है, हमने बहुत बार करी है। अब इसको है इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत। अब यहां समस्या ये है, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन इसीलिए परफॉर्म नहीं होती, यहां समस्या ये है कि ऑलरेडी ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच चुका है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है बजाय रिंग पे जाने के ये सीधे इस CWH ग्रुप के साथ ही जुड़ जाता है। इस चीज को समझिए, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में समस्या ये है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है बाकी किसी में नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रोफाइल सीधे रिंग पर जाने की बजाय किसके साथ जाके जुड़ जाता है CWH के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो रिंग पे सब्स्टिट्यूशन शो ही नहीं करता, फ्रिडलक्राफ्ट वाले कंपाउंड या बनते ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि बेंजोइक एसिड और एनिलीन जो आगे आप पढ़ोगे वो फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन दिखाती ही नहीं है। मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, रीजन दोनों के अलग अलग हैं, एनिलीन के मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन यहां पर फोकस करो कि बेंजोइक एसिड फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं दिखाती, क्योंकि यहां पर एक ऐसा ग्रुप लग रहा है जो कि रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो यहां पर बजाय इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करने के वो CWH के पास ही चला गया है और वहां पर जाके उसके साथ ही जुड़ गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए यहां पर एल्काइलेशन के जैसे कंपाउंड नहीं बनते। अगर आप सोचो कि मेटा पोजीशन पे यहां पर CH3 लगा दोगे तो ऐसे कंपाउंड नहीं बनते। बहुत ही क्लियर कट, आप चाहे तो बुक खोल के देखें, गूगल पे सर्च करें, बेंजोइक एसिड कभी भी फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं दिखाता। उसके पीछे का लॉजिक बहुत ही साफ है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि यह इलेक्ट्रोफाइल यहां पर बेंजीन रिंग पे अटैक करने की बजाय CWH के पास चला जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को तो अपनी तरफ खींच रहा है। बाकी में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा होता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है और इसको आप ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के अंदर, बड़े अच्छे तरीके से साफ साफ शब्दों में लिखिए कि बेंजोइक एसिड कभी भी फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं दिखाता। और यह सवाल काफी बार पूछा गया। इसके अलावा, फ्रिडलक्राफ्ट के अलावा अगर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो हो सकता है, जैसे कि हमने किया नाइट्रेशन हो सकता है, ये किया है, ये एक्सपेरिमेंटली हुआ है। अब एक चीज समझ लीजिए, कई बार हम लोग क्या करते हैं, मन में थ्योरेटिकल सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, थ्योरेटिकली अगर हम सोचे तो ये पॉसिबल होना चाहिए था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करने गए तो वो था ही नहीं। एक्सपेरिमेंट करने गए तो एल्काइलेशन एसाइलेशन वाले प्रोडक्ट बन ही नहीं रहे थे, तो फिर हमें एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। फिर हमें थ्योरेटिकली सोचना था कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये इलेक्ट्रोफाइल इतना पावरफुल नहीं था कि यहां से जाके रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके यहां बॉन्डिंग कर सके। ये सीधे बजाय कहां चला गया, CWH के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। इस चीज को लिखिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल थिंग। थ्योरेटिकली जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो एक्सपेरिमेंट से दिख ही नहीं रही है, इसका मतलब हमें कुछ और सोचने की जरूरत होती है, उस केस में ये एक्सेप्शन है। तो इसको बहुत ध्यान से नोट करिएगा। यहां पर हमारा ये केमिकल रिएक्शन भी खत्म हो गया, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बेंजीन रिंग लग रही थी बेसिकली वो कैसी थी, इलेक्ट्रॉन रिच, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके यहां पर अटैक करके मेटा पोजिशन पर जुड़ता। सबको समझ में आ गया, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। और सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन हटाया है, हाइड्रोजन को हटा के जुड़ा है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सो यहां पर ये केमिकल रिएक्शन भी खत्म हो गया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो फाइनली गाइस, हमने ये चैप्टर बिल्कुल खत्म कर दिया है।
अब मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपके लिए और बना दूं जिसमें आपको मैं एनसीईआरटी के जो कन्वर्जन के क्वेश्चंस है इस चैप्टर के वो मैं करा दूं, समझ में आता है, वो अपन जरूर कर लेंगे। लेकिन मैं हो सकता है कि नया चैप्टर पहले शुरू कर दूं और उस वीडियो को बाद में डालूं, क्लियर होता है। वो मेरे को ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं जो कि थोड़े टफ हैं, और अगर ईजी होंगे तो आप खुद कर लेंगे, तो उसके लिए मुझे समय चाहिए, क्लियर होता है। अब हमारा चैप्टर थ्योरेटिकली तो यहां खत्म हो गया, अगला चैप्टर कौन सा है, इसके जस्ट आगे वाला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो हमें शुरू करना है। सो चलिए गाइज, अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच। और गाइज आप ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। और सबसे खास बात, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने अनअकैडमी पे खत्म कर दिया है, ठीक है, अब मेटलर्जी चालू कर दिया है। मेटलर्जी के कम से कम आठ लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, जाके एक बार जरूर चेक करो, उसको कम्युनिटी सेक्शन में भी डाला था मैंने। सो चलिए गाइज, अगली वीडियो मिलता है, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।